छिंदवाड़ा के मोहन नगर निवासी मनोज पिता भूरेलाल साहू 45 साल निवासी की अपनी लाइसेंसी बंदूक से स्वयं को गोली लग गई है, जिसे इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। गोली लगने का कारण अभी अज्ञात है। घायल को नागपुर रेफर किया गया है। यह संभावना जताई जा रही है कि बंदूक को साफ करते समय धोखे से गोली चेहरे के आर पार हो गई है। मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में अभी एक पेशेंट आया है, जिसने बंदूक साफ करते हुए उसको गोली उसके जबड़े में लगी और जबड़े में लगते उसका पूरा जबड़ा फट गया है। उसकी गोली का पता नहीं है अभी सर के अंदर है या निकल गई है, बट उसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, तो जिसको अभी नाकान गला विभाग, सर्जरी विभाग और दंत रोग विभाग तीनों ने मिलकर प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है और उसको न्यूरो सर्जन और प्लास्टिक सर्जन की जरूरत थी, इसलिए उसको नागपुर रेफर कर दिया गया है। मरीज की हालत काफ़ी गंभीर है, उसको इसलिए तुरंत नागपुर रेफर करना है। डॉक्टर हेमंत अहिरवार, छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।